उसको जुलूस निकालना कहा जाए ऐसा नहीं है, उनको उस मोहल्ले में ले जाया गया था जहाँ पे, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन में कुछ कार्रवाई रहती है, उनकी उपस्थिति में की जाती है, इसलिए उनको उनके मोहल्ले में ले जाया गया था। चूँकि गली हैं, सकरी हैं, इसलिए वहाँ पर उनको पैदल ले जाना पड़ा। बाकी इन लोगों ने 19 तारीख को हमारे सिपाही जब इनको पकड़ने के लिए गए थे, इनके पास में चाकू रखे और ये गांजा पी रहे हैं, ऐसी शिकायत इनको सूचना मिली थी। तो इन्होंने जब पकड़ने गए थे तो सिपाहियों से हमारे हुज्जत भी की और उनको शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाते हुए उनके ऊपर हमला किया और उनकी पीठ पर चाकू मारे थे। तो इनकी आज गिरफ्तारी की गई है और कल इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में। हाँ, इनके खिलाफ़ हैं, विशाल के खिलाफ 8 अपराध हैं, इसमें से 2 बाणगंगा में हैं, NDPS एक्ट का और आर्म्स एक्ट का, बाकी 6 अपराध उनके दीगर थानों में, मलारगंज में और अन्य थानों में। और ऐसे ही उसके खिलाफ भी 4 थाने अन्य थानों में, वैभव के खिलाफ भी जो अपराध हैं, 4 अपराध उसके खिलाफ भी हैं।